नमस्कार, गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज मैं आपको वेज सूजी पफ बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने एक कप सूजी ली है और यहाँ मैंने एक कप मठा लिया है। सूजी को हम खट्टे मठे में ही घोलेंगे, हम पानी का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हमारा हो चुका है, अब हम सूजी को खोलेंगे। सूजी फूल गई है। अब हम इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डालेंगे। एक बड़ा चम्मच मैं शिमला मिर्च का इसमें डालूंगी। एक चम्मच मैं पत्ता गोभी लूंगी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। एक बड़ा चम्मच मटर के दाने हैं मेरे पास जिसे मैंने दो भागों में कर लिया है। एक छोटा चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। एक बड़ा चम्मच टमाटर इसमें डालेंगे। दो बड़े चम्मच हरा धनिया मैंने लिया है जिसे काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। हमने कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें दो बड़े चम्मच मैं तेल डालूंगी। तेल को हम गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें एक छोटा चम्मच मैं राई डालूंगी। पांच छह मैंने कड़ी पत्ते लिए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हमने जो सूजी में सब्जियां डाल के रखी थी वो हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे और इसको हम स्लो गैस पर गोल्डन ब्राउन होने तक ढक कर रख देंगे। चलिए अब हम प्लेट हटा के देखते हैं हमारा सूजी पका या नहीं। देखिए, एक तरफ से ये सिक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। ये हमने पलट दिया है। अब इसको भी हम स्लो गैस पर गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और ढक देंगे। चलिए देखते हैं दूसरी तरफ से हमारा सूजी पका या नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये फूल भी गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम ये एक प्लेट में रखेंगे और धनिया पत्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसको हम टमाटो केचप और चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये लीजिए, हमारा वेज सूजी पफ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जल्दी बनाइए और गरम गरम सर्व कीजिए।